बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर शाहिद मकबूल। आज हम 16 जुलाई 2020 इंग्लिश क्लास 9 के लेक्चर में लेसन नंबर 10 के पहले 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करेंगे और इस लेसन का नाम है ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। पहले 3 पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन करने से पहले हम इन पैराग्राफ्स में दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। प्रॉब्लम, मसला, डेंजरस, ख़तरनाक, टैबू, शजर ममनुआ यानी मना की हुई बात, परमानेंट, मुस्तकिल, डिस्टर्बेंस, बेचैनी, एनवायरमेंटल, माहौलियाती, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ज़िम्मेदारियाँ, रिहेबिलिटेशन, बहाली, रिकवरी, सेहतयाबी, ट्रीटमेंट, इलाज। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज 105, पैराग्राफ नंबर 1। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। नशे का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया का आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की कई सूरतें हैं, बट मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मगर सबसे ख़तरनाक सूरत इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स काजेज परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। नशे का लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज़ यूज्ड, मवाद जितना खौफनाक इस्तेमाल किया जाता है, द मोर रिस्की इट बिकम्स, ये उतना ही ख़तरनाक हो जाता है। इट्स कंटिन्यूस यूज़ काजेज टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग। इसका मुसलसल इस्तेमाल नशे पर मुकम्मल मोहताजी का सबब बनता है। सम काइंड ऑफ ड्रग्स दैट काज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। कुछ इकसाम की मंशियात जो ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी की वजह बनती हैं, वो हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम, कोकीन और शराब हैं। पैराग्राफ नंबर 2, ड्रग एडिक्शन इज़ काज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशे की आदत माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। अ फ्यू इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे काज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत की वजह बन सकते हैं, वो बुरे दोस्त का असर, परेशान कुन घरेलू पस मंज़र हैं। वैन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी, जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर और मुहिम जुई के नाम पर तजर्बात करते हैं, दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से नामुतमईन और नाखुश हैं, मे आल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन इन ऑर्डर टू सीक एन एस्केप फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, वो नशे की आदत में पनाह ले सकते हैं ताकि वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से राह फरार अख्तियार करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट। इस हवाले से उठाया जाने वाला सबसे अहम कदम वो नशे के आदि की सेहतयाबी और मामूल की ज़िंदगी की बहाली है। इन मैनी कंट्रीज़, कई ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिनमें पाकिस्तान शामिल है, कई ममालिक में बशमोल पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स।
कई ममालिक बशमोल पाकिस्तान में नशेबाज, उनके ख़ानदान वाले और दोस्त अपना मसला दूसरों को बताना शजर ममनुआ समझते हैं। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फेयर ऑफ बींग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। वो आवारा कहलवाए जाने के खौफ से इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बनाता है, बट इन मोस्ट केसेस, बल्कि ज़्यादा सूरतों में द एडिक्ट्स डाई, नशेबाज मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, बर वक्त इलाज और मशवरे के फुकदान की वजह से। बर वक्त इलाज और मशवरे के फुकदान की वजह से ज़्यादातर सूरतों में नशेबाज मर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेट किए गए तीन पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई आपने इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना हो, तो मैं व्हाट्सएप पर मौजूद हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।